नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यात्री मन पे। और आज यात्री मन है पाटलिपुत्रा पार्क के पास। और आइए अब हम चलते हैं पाटलिपुत्रा पार्क के अंदर और देखते हैं आज की सुबह पाटलिपुत्रा पार्क के अंदर क्या स्थिति है, क्या नज़ारा है पाटलिपुत्रा पार्क के अंदर। ये पार्क पाटलिपुत्रा गोलम्बर के पास स्थित है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और यहाँ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आदमकद प्रतिमा लगी है। ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आदमकद प्रतिमा। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, कवि, ओजस्वी नेता और प्रखर वक्ता। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले भारत के प्रथम नेता। और अब हम लोग पाटलिपुत्रा पार्क के अंदर के चारों तरफ का दृश्य देखेंगे। ये पार्क तो बहुत ही कम दूरी में फैला है, बहुत ही छोटा सा पार्क है। सुबह के समय में लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए आसपास के लोग इस पार्क में आए हुए हैं। कुछ लोग योगा भी कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं पाटलिपुत्रा पार्क में। और इधर बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं जिन पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत पार्क है। पाटलिपुत्रा पार्क पाटलिपुत्रा गोलम्बर के पास स्थित बोरिंग रोड पाटलिपुत्रा रोड में। ये पार्क के अंदर योगाभ्यास भी किया जा रहा है, कुछ लड़कियां योगाभ्यास में लगी हैं पाटलिपुत्रा पार्क में। ये आप लोग देख रहे होंगे योगाभ्यास में लगी लड़कियां और महिलाएं और जॉगिंग करते लोग। आज सुबह पाटलिपुत्रा पार्क का कुछ ऐसा ही नज़ारा दिख रहा है। आप भी कभी पाटलिपुत्रा की तरफ आएं तो इस पार्क में ज़रूर आएं। बहुत ही सुंदर पार्क है, छोटा सा है लेकिन बहुत ही सुंदर है। यहाँ आने से दिल को सुकून मिलता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती इस पार्क में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ
बिना किसी कट पेस्ट के, कोई एडिटिंग नहीं रहती है। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, यह आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और आप इस चैनल पे क्या देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ का वीडियो बना के आपको दिखा सकूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।